आज हम आपको जिस व्यक्ति की कहानी से अवगत कराने जा रहे हैं, उनकी कहानी सुनकर शायद आप अपनी किस्मत को कोसना बंद कर दें। वो कहते हैं ना, किस्मत अपनी अपनी है। किसको क्या सौगात मिले, किसी को खाली सीप मिले तो किसी को मोती साथ मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, हार्ड वर्क इज अ की ऑफ सक्सेस, और ये बहुत बड़ा सच है। मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा, पर कभी कभी हमारी किस्मत, हमारे हाथों की लकीरें हमारी मेहनत पर हावी हो जाती है। हम कितनी भी मेहनत कर लें, हमें वो मुकाम नहीं मिलता जिसकी हमें चाहत होती है। अब इसे किस्मत कहें, सरकार की अनदेखी कहें, कुछ और, पर हकीकत यही कि कराटे के विश्व चैंपियन रह चुके हरिओम शुक्ला, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा से ताल्लुक रखते हैं, आज अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चाय बेचने को मजबूर हैं। हरिओम, जिन्होंने कई मेडल्स जीतकर भारत का नाम कई विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में उज्जवल किया, आज उनका खुद का भविष्य अंधकार में है। हरिओम शुक्ला का परिवार मूल रूप से मथुरा के छोटी कोसी का रहने वाला है। हरिओम बताते हैं, जब से उन्होंने होश संभाला है तब से ही उनकी रुचि कराटे में रही है, और उनका सपना हमेशा से ही देश का नाम दुनिया भर में उज्जवल करना था। जब हमने हरिओम से उनके कराटे चैंपियन बनने के सफर के बारे में बात की तो उन्होंने बड़े ही दुखी मन से बताया कि मैंने 2006 में मथुरा से कराटे लड़ना शुरू किया, फिर मेरी प्रतिभा को देखते हुए मुझे 2008 में मुंबई की अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलने का मौका मिला। यहां से मैंने इंटरनेशनल भी खेला। इसके बाद 2008 और 2010 में मैंने ओपन से पहला गोल्ड मेडल काठमांडू से जीता। साथ ही हरिओम ने बताया कि 2013 में थाईलैंड के पटाया में मुझे खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहां से मैंने गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा किया, जिससे मेरे कदम बढ़ते गए। उन्होंने कहा कि मैंने थाईलैंड में 2013 में ही सिल्वर सीनियर को भी हराया था, फिर यूएसए से इंटरनेशनल 2015 में दूसरा सिल्वर, और श्रीलंका में पहला सीनियर गोल्ड और दूसरा ओपन सिल्वर को मैंने जीत कर जिले के साथ साथ देश का भी नाम ऊंचा किया। मैंने करीब 60 मेडल जीते, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। लेकिन आज उनका मन काफी दुखी है। उनका कहना है, मैंने हर संभव मेहनत की और देश का नाम भी रोशन किया, पर सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की, इसलिए आज विश्व चैंपियन होने के बावजूद चाय बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है, जो कि देश के ऐसे होनहार खिलाड़ियों के साथ अन्याय है, और इसके साथ ही साथ सरकार और स्थानीय नेताओं तथा जिला प्रशासन के लिए बहुत ही शर्मनाक है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।